ग्लू गन के जैसे होता है ना। हमारा फिर हमने जो व्हाइट सीमेंट, जिन्होंने देखा होगा मेरा पहले वीडियो, व्हाइट सीमेंट लगाया था काम नहीं हो, तो आज हमें सिलिकॉन वगैरह लगा के बाकायदा प्रोफेशनल को बुला के काम करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ा काम सही होगा, बट ये है कि 6-6 महीने में शायद बदलना पड़ेगा। और दूसरा हमने एक और काम कराया है, दूसरा ये वाला हमने फिर काम कराया है, क्योंकि इस पे पहले 4 हुआ करते थे, अभी हमने 6 कर दिया है, कि बारिश का मौसम होता है मुंबई में वैसे सुखाने के लिए मिलता नहीं है। सो नाउ वी हैव इंक्रीज 2 रॉड्स मोर, इट इज 6 नाउ। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग की, और हम जा रहे हैं अभी मार्केट इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कल हमारे दादाजी दादी का और ताऊ जी का श्राद्ध है। मेरे पिताजी का श्राद्ध पहले आता था लेकिन वो चला गया आगे, क्योंकि हमारे घर पे मेरे चाचा जी गुजर गए, मेरी चाची गुजर गई, मेरे दादाजी गुजर गए, तो जिसके चलते ये पिछले 6 महीने में हुआ, तो जिसके चलते हमारे पिताजी का जो श्राद्ध पहले आता था वो चला गया पीछे। अब हमको करना पड़ेगा नवरात्रों के बाद, बट फिलहाल दादा दादी और ताऊ जी का है, तो कल हम उनकी पूजा करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत सामान कल भी लाए थे और आज भी लेने जा रहे हैं। सो दिन में था बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये फ्लैश लाइट से ना रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा हाल हो गया है। जो भी है ले लो, ये हो गया। सो हम लोग जो हमारे उत्तराखंड से, और आई डोंट नो वेदी अदर कल्चर में होता है नहीं होता, बट हमारे यहाँ पे मिश्रो निकालते हैं। मिश्रो मतलब जैसे मैं लेके आया हूँ अभी 1 किलो आटा, या उसके अलावा दाल डालते हैं, जो फिर फर्दर हम दान कर देते हैं। फिर कपड़े हो गए, कपड़े बनाते हैं, कपड़े देते हैं। तो ये मान्यता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हम उनके लिए कर रहे हैं, जो हमारे पितृ देवता हैं। तो कल जब हम करेंगे तब आप देख लेना। अपने रीति रिवाज हमें कभी भूलने नहीं चाहिए, चाहे हम कितने बड़े हो जाएँ, चाहे हम बढ़ते चले, चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, रीति रिवाज हमेशा याद रखना चाहिए। और बच्चों को भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए आजकल मैंने क्या किया है कि बच्चों को मैं कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी कोई इतिहास की चीज़ें उनको बताता रहता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्कआउट एंड नाउ आई एम गोइंग टू माय होम टू गेट प्रिपेयर फॉर द पितृपक्ष पूजा ऑफ दादा दादी एंड ताऊ जी। एंड पापा की तो हमने जैसे बोला है बाद में प्लान करेंगे, तो विल डू दैट। आई वॉज टॉकिंग टू अ गार्ड, हम लोग गार्ड, मैं भी अपने क्लब के गार्ड से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि कैसे ही हैज सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस कोरोना। एंड द बेसिक थिंग विच ही सेड इज अबाउट नॉट टू यूज हिज हैंड्स फ्रिक्वेंटली टू नोज आईज, एंड वेन एवर ही वॉन्टेड टू डू दैट ही हैज टू क्लीन दैट। ए वेरी बेसिक थिंग जो कहते हैं ना, वो उन्होंने बताई, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू फॉलो। मैं आपको एक आज थॉट दे रहा हूँ कि जस्ट सोचिए कि क्या कंप्लेंट करने ज़रूरी है, क्या हम कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं, या सिर्फ कंप्लेंट करने से ही हमारा काम चलता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है कंप्लेंट के पीछे, कंप्लेंट। सो डू यू रियली बिलीव थिंक कि कंप्लेंट करना जरूरी है, या हम उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं, या हम सिर्फ कंप्लेंट बॉय एंड कंप्लेंट गर्ल बन जाएंगे। ये है मुंबई की चाय, सुबह सुबह की चाय। वीर अपनी नई किट तैयार कर रहा है। ये क्यों काट रहा है, ये नहीं कटता है, ये बैग का है, एक और बैग का ना, ये बैग इसमें हेलमेट के लिए होता है ना, ये तो ये कहाँ रखेगा नहीं, नहीं। ये पुरानी किट हटा रहा है अभी और नई किट कर रहा है। ये हेलमेट के लिए है ना शायद, किसी चीज के लिए तो है ये हेलमेट वगैरह कुछ, या पैड वगैरह। तैयारी चालू हो चुकी है, ये तोरी कट चुकी है, ये खीर के लिए दूध भी निकल रहा है, हो गई है बीयर की किट रेडी कम्प्लीटली। काफ़ी स्पेस है इसमें, इधर भी देखो स्पेस है, और ये है, और वो हेलमेट वाला किधर गया, वो अलग से रखा है। हाँ, मैंने कुछ अंदर भी डाल दिया, तो उसमें हेलमेट डाल दी ना, हाँ, तो काफ़ी स्पेस है। तो ये हमारी बन गई है खीर, और ये है तोरी की सब्जी। ये स्पेसिफिकली तोरी की सब्जी इसलिए बनती है क्योंकि ये एक मान्यता है कि यही सब्जी बनानी चाहिए ना पितृपक्ष के लिए, हमारे इधर बेसिकली हमारे रिवाज में। ये है नट्स जो जलेंगे खीर में, और ये जो है ये बन रहा है रायता एक्चुअली। सो पूरी बात का सार ये है कि अपने पितृ देवताओं को जितना आप उनका आदर सत्कार कर सकते हो करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। तो ये है हमारी पकौड़ी का मसाला, दाल की पकौड़ी, ये बन गई है पकौड़ियाँ, और ये उतर रही हैं कुछ पकौड़ियाँ।
आज मम्मी जी लगी है अपने सास ससुर के लिए काम करने के लिए, तो सबको करना पड़ता है भाई, सास ससुर का ख्याल बहू को रखना ही पड़ता है, तो लगी हुई सास ससुर और जेठ जी के लिए। बस ये सास भी कभी बहू थी, बड़ी भी बन गई है, तो ऑलमोस्ट हमारी पूजा की तैयारी डन। निकल गए कुर्ते सूट देन एक और कुर्ता पूजा के लिए। ये हम लोग के मिश्रो है जो हमने बताया, और ये आटा चावल चीनी फिर ये दाल फिर ये चाय की पत्ती ये हमने टुकड़ा भी लगाया है। ये हमारी पहाड़ी टोपी होती है, तो ये मेरे को मिल गई थी, महाराष्ट्र में भी ये चलती है, तो ये मैंने लेके आया। बन चुका है प्रसाद, पकौड़े पूड़ी रायता और ये है तोरी की सब्जी और ये है खीर, और यहाँ पे तैयारी कर ली है पूजा की भी, तो अभी आदि आएगा तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो दादा दादी की फोटो तो नहीं है हमारे पास, उस जमाने में फोटो खींचने का था नहीं था वो पता नहीं, पापा ने हमारे बनाए नहीं या हमारे ताऊ चाचा वगैरह ने नहीं बनाई, तो इसलिए शायद हमारे पास फोटो नहीं है। रही बात ताऊ जी की फोटो जो है मेरी शादी की एल्बम में है, तो वो दिल्ली में पड़ी हुई है, और हम लोग शरारत एक्चुअली दिल्ली में ही करते थे, मम्मी वहीं करती थी, बट मम्मी इस बार यहाँ है, तो हम लोग शरारत दादा दादी का ताऊ जी का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मम्मी कहती है कि दादाजी की शक्ल मोरलेस मेरे जैसी ही थी, तो अभी मैंने तो देखा नहीं, मम्मी ने ही देखा तो उनको पता है, तो उनका कहना है तो यही मान के चलेंगे कि भैया मेरे जैसी शक्ल थी और ताऊ जी की शक्ल मुझे याद है, दादी की मुझे ध्यान नहीं है, तो वो मम्मी बताएगी कैसी है। बट एनीवे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और अपना मन साफ करके अपनी पूजा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारी पूजा हो गई है संपन्न। आज हम खाएंगे बैठ के नीचे ये ताऊ आपके रख दो तो इस व्लॉग को करते हैं यही खत्म। बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चेन ऑफ लाइफ।